हाय नमस्ते, दिवाली स्पेशल वीडियो सीरीज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो आज की हमारी स्पेशलिस्ट रेसिपी है द अल्टीमेट कोदिंबीर पुदीना पोहा चूड़ा। लगे ना द अल्टीमेटम टू ऑल द पोहा चूड़ा इन मार्केट। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो पहली बात तो एकदम आसान है ये रेसिपी, और दूसरी बात तो सभी को पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो इसी बात पर लाइक का बटन क्लिक कर दे, और उसी के जरा सा साइड में सब्सक्राइब का बटन है उसे भी देख लो, और क्लिक है कि नहीं, नहीं है तो क्लिक करना है। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ मैंने 250 ग्राम ऑफ पातल पोहा यानी पतला पोहा लिया है, उसे अच्छे से छान लेना है ताकि डस्ट निकल जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट यानी सूखा खोबरा लिया है 1/4 वाटी। सेकंड रोस्टेड चना दाल 2 स्पून ली है, भुनी हुई चना दाल। पीनट्स मूंगफली सिंग दाना 2 स्पून लिए हैं। फोर्थ ग्रीन चिली हरी मिर्च 6 से 7 हरी मिर्च मैंने ली है। सेसमे सीड यानी तिल 1 स्पून लिया है। कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स एंड करी लीव्स। और तड़के के लिए मैंने राई और जीरा, हींग और डेकोरेशंस के लिए ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स तो बनते ही है, दिवाली है तो ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ही चिवड़े में। तो पहले बात तो कढ़ाई गर्म करने रखे, अब उसके अंदर साफ किए हुए पोहे ड्राई रोस्ट करना है, भूनना है ताकि पोहे कुरकुरे बने और हमारा चिवड़ा क्रिस्पी बने। इसके बाद हमें कोकोनट जो है ड्राई कोकोनट उसे अच्छे से काट लेना है, कट कर लेना है, स्लाइस करना है, पतले पतले स्लाइस करना है, कुरकुरे लगने चाहिए। मिर्ची जो हमने हरी वाली ली है, ग्रीन तीखी मिर्ची लेनी है। अब जो हमने पोहा रोस्ट किया है कुरकुरी, उसको हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं, ठंडे होने के बाद ही निकालना है। इसके बाद यहाँ पे हमें जो हमारा इम्पोर्टेंट मेन इंग्रेडिएंट है कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स के पत्ते देखो ऐसे निकालने हैं, डंठल लेना नहीं है, सिर्फ हमें ऊपर ऊपर के पत्ते ही लेने हैं। मिंट लीव्स के भी ऊपर ऊपर के पत्ते ही लेने हैं, डंठल नहीं लेना है, हमें फुल ग्रीन कलर का चूड़ा बनाना है इसलिए सिर्फ ऊपर के पत्ते ही यूज़ करेंगे। इसके बाद हम तेल गरम करने रखेंगे। तेल गरम होने के बाद इसके अंदर जो हमने चॉप किया या स्लाइस किया हुआ ड्राई कोकोनट यानी जो सूखा कोकोनट हमने जो कट किया था, स्लाइस किया था, उसे हम अच्छे से फ्राई करने वाले हैं गोल्डनिश ब्राउन कुरकुरा होने तक। ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम अब निकाल के बाहर रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने पीनट्स लिए हैं 2 स्पून ऑफ पीनट्स लिए हैं, इससे भी हमें गोल्डनिश ब्राउन करना है, पूरे ब्लैक होने तक वेट नहीं करना है, थोड़ा सा गोल्डनिश ब्राउन कलर आने पर निकाल लेना है। इसके बाद इसमें हम रोस्टेड चना दाल यानी भुनी हुई चना दाल डालेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हुई है, कुरकुरी बन गई थी। इसके बाद हमने उसे भी निकाल लिया है। अब जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है, जो दिवाली में आपने ड्राई फ्रूट्स लाए हैं, वो सारे इसमें फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कैशूनट्स फ्राई की है, उसके बाद यहाँ पे मूंगफली रेजन्स फ्राई कर रही हूँ। मनुका कैसे कहते हैं, मनुका फ्राई करते वक्त कॉन्शियस रहना है क्योंकि ये पटाख से जल जाता है, इसलिए एकदम आराम से स्लो गैस पे इसे फ्राई करके जल्द से जल्द लेना है। इसके बाद इसमें मैंने बादाम फ्राई किया है। अब ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स और डेकोरेशन का है सब हमने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने करी लीव्स भी फ्राई किए हैं जो कि हमें ग्रीन कलर देने वाली है, इसलिए थोड़ा सा करी लीव्स मैंने यहाँ पे फ्राई करके रख दी है। इसके बाद तड़का शुरू करते हैं। तड़का शुरू करने के लिए हमने जो तेल लिया उसे गर्म करना है। इसके बाद इसके अंदर राई यानी मस्टर्ड सीड्स डालने हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने जीरा डाला है। इसके बाद इसके अंदर मैंने हरी मिर्च जो हमने कट कर ली है उसे डाला है। हरी मिर्च अगर पकने के बाद इसके अंदर हमने करी लीव्स डाले हैं यानी करी पत्ता डाला है, और थोड़ा सा हींग डाला है। तो ये हमारा तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आपके हिसाब से आप कम या ज़्यादा हरी मिर्च कर सकते हैं, आपको तीखा पसंद है तो 1-2 मिर्च आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी के पाउडर डाली है, और इसे भी अच्छे से रोस्ट किया है 1 मिनट के बाद। और इसमें लास्ट में मैंने तिल डाला है और गैस बंद कर लिया है। अब जो हमने पुदीना और कोथिंबीर यानी इसे धनिया जो हमने फ्राई किया है उसे मैंने एयर फ्राई किया है। एयर फ्राई या माइक्रोवन कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट तक कुरकुरा होने तक हमें करना है, या तवे पे भी गर्म कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर करी लीव्स और थोड़ी सी मूंगफली डाल के मैंने इसका ऐसा पेस्ट बना लिया है। तो यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे हमें बनने वाला है ग्रीन कलर का चिवड़ा। तो यहाँ तक आए हैं और ये सीक्रेट रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है।
तो ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है अब हम इसे तेल में डाल के अच्छे से आधा सेकेंड के लिए पकाएंगे और गैस बंद कर देंगे। तो ये हमारी ग्रीन कलर की पोहे की तड़का एकदम रेडी हो गया है। हमारा जो कुरकुरा पोहा, पातल पोहा जो हमने फ्राई करके रोस्ट करके लिया है वो भी तैयार है। अब जो तड़का है हम इस पोहे के अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक आपको ये यूनिक अल्टीमेट पोहा चिवड़ा की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, और ये चटपटे वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी बनता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए है। आपको रगला होगा कि डायरेक्टली ग्रीन कलर क्यों आया है, वो थोड़ी देर मिक्स होने के बाद ये सही कलर आता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और इसके बाद इसमें मैंने शुगर पाउडर और आमचूर पाउडर, आपको पसंद है तो आप थोड़ी सी डाल के टेस्ट करके देख लेना, नहीं पसंद तो सिर्फ शुगर पाउडर ही बस होती है। तो ये देख सकते हो अल्टीमेट ग्रीन कलर का चिवड़ा हमारा विद ड्राई फ्रूट्स यम्मी दिवाली के लिए स्पेशल रेडी हो गया है। चलिए अब मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ, आप भी इसे टेस्ट करना मेरी वीडियो की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने इसे टेस्ट कर लिया है, तो एकदम चटपटा यम्मी डिलीशियस कुरकुरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ दिवाली स्पेशल ग्रीन पुदीना कोथिंबीर चिवड़ा रेडी है। तो आप भी घर पे इसे ट्राई करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।